या टॉयलेट के पानी से बनाई जाती है, ट्रेन में मिलने वाली चाय कॉफी, ये सवाल आपको परेशान कर सकता है। लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि ट्रेन में किस कदर आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है। आपको घिन आने लगेगी। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में रेलवे के वेंडर ट्रेन में टॉयलेट से चाय और कॉफी के लिए पानी भरते हुए देखे जा सकते हैं। इस वीडियो को इस ट्रेन में यात्रा कर रहे एक पैसेंजर ने अपने मोबाइल में कैद किया। वीडियो बनाने वाला यात्री वेंडर से सवाल करता है और उससे कैन को बाहर ले जाने के लिए कहता है। वेंडर स्टेशन पर खड़े दो अन्य वेंडर्स को कैन पकड़ाता है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद रेलवे ने इसकी जांच करवाई और जांच में इस वीडियो को सही पाया गया। रेलवे ने कॉन्ट्रैक्टर पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही रेलवे की ओर से बताया गया है कि ये वीडियो साउथ सेंट्रल रेलवे के सिकंदराबाद क्षेत्र में दिसंबर 2017 का है। इसके अलावा तस्वीरों में नजर आ रहे वेंडर्स को भी निकाला जा चुका है। ट्रेन में मिलने वाले खाने को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं। खाने में गंदगी से जुड़ी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अब इस चाय कांड ने रेलवे की व्यवस्थाओं पर एक और सवाल या निशान लगा दिया है। हम ये नहीं कह रहे कि रेलवे के सभी वेंडर्स ऐसे होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस मामले में की गई कार्रवाई रेलवे के लापरवाह वेंडर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को कड़ा सबक सिखाने के लिए काफी है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।